जिला के मांझी प्रखंड के डुमरी पंचायत स्थित फतेहपुर गांव में ज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बकरी पालन के लिए चयनित लाभार्थी सुमन देवी के घर पर अजोला पेट तैयार किया गया। जीविका दीदियों को अजोला पेट तैयार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मांझी के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने जीविका दीदियों को बकरी पालन में पर्याप्त चारे की पूर्ति के लिए अजोला का बीज उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही सारण जिले के जिला परियोजना प्रबंधक विनय कुमार सिंह ने सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी सभी प्रखंडों के बकरी पालने वाले लक्षित परिवारों की सभी दीदियों को अजोला पेट से जोड़ने के लिए हर प्रखंडों को नियमित दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बकरी पालन करने वाली जीविका दीदियों के लिए अजोला वरदान साबित होगी। जो दीदियां बकरी के चारे के लिए अक्सर परेशान रहती थी, उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा तथा अपने घर के आसपास ही छोटे छोटे गड्ढे बनाकर अजोला तैयार कर बकरी के पौष्टिक आहार को पूरा कर सकती हैं। अजोला जैसी बेहतर व्यवस्था आने से बकरी पालन करने वाली जीविका दीदियों के लिए एक उम्मीद की किरण लौटी है। वहीं सारण जिला क्षेत्रीय समन्वयक जयप्रकाश वयाहुत ने हर प्रखंडों से लक्षित परिवारों के बीच जाकर अजोला पीठ तैयार कराया है और उससे होने वाले लाभों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस मौके पर SJY के सारण DRP अरुणा कुमारी उपस्थित रही, जिन्होंने अजोला पीठ से जुड़ने के लिए लक्षित परिवारों की सभी दीदियों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मांझी के प्रखंड परियोजना प्रबंधक संजय कुमार सहित सभी MRP उपस्थित थे। DLM TV के लिए दरियापुर से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। योजना के अंतर्गत जितनी महिलाएं जुड़ी हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र मांझी सारण के द्वारा अजोला की उपलब्धता कराई गई है और ये अजोला उनके जितने भी बकरी मुर्गी को देने से अच्छी पौष्टिक आहार के साथ में कार्य करता है और हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि जितने भी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं उनके वहाँ अजोला का एक पिट निर्माण करें जिससे उनको जानवरों को खिलाने में सुविधा होगा और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए तत्पर है और हमेशा करते रहेगा। सतत जीविकोपार्जन योजना सारण जिले में चल रही है और इसके तहत हमारे यहाँ 5 प्रखंड जो हैं जिसमें बकरी पालन के साथ जुड़ी हुई जो हमारी जीविका दीदी हैं स्पेशली जो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित हैं उनके लिए अजोला पिट एक ऐसी व्यवस्था है जो अजोला पिट जिसके माध्यम से बकरियों का चारा जो है दीदियां अपने घर के आसपास ही कर सकती हैं, तैयार कर सकती हैं और वो चारा काफ़ी पौष्टिक होता है जो उनके बकरियों के ग्रोथ में और दूध भी उससे अच्छा बढ़ता है उनका बकरियों का और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो इसलिए अजोला पिट एक बहुत अच्छी पहल है जिसके माध्यम से आसानी रूप से चारा दीदियों को उपलब्ध हो सके। इसमें हम लोग KVK के साइंटिस्ट जो हैं उनके माध्यम से ये बीज मिला है अजोला पिट का और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संदर्भ में जो KVK कन्वर्जेंस में हमें उनकी ट्रेनिंग भी जो है दीदियों की और उसमें रिसोर्स पर्सन तैयार करना और उसके बाद अलग अलग प्रखंडों में उनको जाके ट्रेनिंग देना ये भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसकी उपलब्धि ये रही कि आने वाले समय में हमें जो हमारी दीदियां हैं वो बकरी पालन व्यवसाय में आगे की ओर बढ़ेंगी और अच्छा ग्रोथ जब उन्हें उसमें मिलेगा अच्छी उपलब्धि मिलेगी जीविकोपार्जन में उनमें बढ़ोतरी होगी उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी तो और आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए हम लोग इससे बृहत पैमाने पर कर रहे हैं और 5 प्रखंड जो हमारे हैं जहाँ पे लाइव स्टॉक बकरी पालन से संबंधित जो दीदियाँ जुड़ी हुई हैं उन सबको हम लोग अजोला पीट के इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे जिससे वो बेनिफिट हो सके और उसकी उपलब्धता उन्हें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।